पाइप लेके मारा था मेरे को। कौन मारा? बेटा पेपर पूछी मैं बिल्डर को देना है, मेरे को पेपर दे रहे बोले तो मारा। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद में मैं पेपर खुद ही मैं लेके रख रहे, तू बाबा बोल के सर पे हाथ रख के कसम खिलाई। मेरे बच्चे में जब भी पूछूं तू दे देना वो तो हाँ हाँ बोला। उसके बाद में जो पलटा है वो बच्चा मैं नहीं बोल सकता, मेरे बच्चे तो नहीं देते बोल के बोले मेरे को। मैं किस तरीके से जीऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा हौसला ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी गुजारिश ये है, मैं सनत नगर में रहने वाली हूँ, मेरे बच्चे मेरे को नहीं देख रहे, मेरे को पैसे नहीं दे रहे खाने पानी को, मैं एक घर में काम करके जीना बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे को बहुत खर्चा हो गया, 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। वो पैसे देंगे बोले तो नहीं देते बोल रहे, मेरे को मारते बाहर निकाल देते मेरे को। मेरे शौहर का घर है ये, मैं बिल्डर को दे के बनाना चाह रही हूँ, वो भी नहीं बोल रही, कोई किस दर से भी मुझे जरिया होने नहीं दे रही, मैं कैसा जीना। एक बच्चे की शादी होना है मेरी, वो बच्चे को भी 3 दिन काम पे लेते, स्विगी पे जाता मेरा बच्चा। हाँ मेरे को कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जार जार रो रही हूँ, मैं यहाँ आखिरी मैं सुसाइड कर लेने की नौबत आ गई। बहुत तकलीफ में हूँ मैं, अल्लाह गवाह है इस बात को। पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन करी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी, पुलिस स्टेशन से भी कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को। सनत नगर पीएस में कंप्लेन लेटर दिए आपको? जी जी ये दिए, 2 खत गई मैं, दो खत भी कुछ भी एक्शन नहीं। तुम्हारे बेटे आके शिकायत करें यहाँ पे बोल के बोले पुलिस वाले। मैं घर के सिवा मैं कोई चीज़ नहीं करती, मैं हर जगह नौकरी करी, मैं पैगामा लगा के भी मैं अपना घर चलाई, मेरे शोहर के साथ रही, मैं बहुत तकलीफ उठाई। अब मेरे से नहीं हो सक रहा, मेरी हालत दिन ब दिन बढ़ते जा रही। बस मेरे को यही है कि मैं घर बनाऊँ, बिल्डर को दे के 5 पोर्शन आते, 3 तीनों बच्चों को दे दे के 2 पोर्शन रख ले के मैं किराए को दे के मैं जी लूँगी भर रही। अब सर हाँ मेरे को कोई 1.5 लाख रुपए की मदद करना है, मेरे बच्चे तो नहीं देते बोल के बोले मेरे को। मैं किस तरीके से जीऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा हौसला ख़त्म हो गया। आप कंप्लेन जो कराए थे किस लिए कराए थे आप लास्ट मंथ कंप्लेन? पाइप लेके मारा था मेरे को। कौन मारा था? बेटा पेपर पूछी मैं बिल्डर को देना है, मेरे को पेपर दे रहे बोले तो मारा। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद में मैं पेपर खुद ही मैं लेके रख रहे, तू बाबा बोल के सर पे हाथ रख के कसम खिलाई। मेरे बच्चे में जब भी पूछूं तू दे देना वो तो हाँ हाँ बोला। उसके बाद में जो पलटा है वो बच्चा मैं नहीं बोल सकती, हालांकि वो बच्चा ऐसा नहीं है, उसको कौन क्या कर रहे क्या सिखा रहे मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कितने साल हो गए? जनवरी है तो पूरे 5 साल होते। तो 5 साल से गुजारा चल रहा आपका कैसा? 8 महीने दिए लगा पैसे, उसके बाद नहीं दिए, 2-2 हज़ार दिए, 2-2 हज़ार से क्या होता बोलिए, मैं है मेरा बच्चा है, मेरी दुख बीमारी है, खाना पानी है, हर चीज़ है, चिट्टियाँ डाल के उठा के खा के मैं परेशान हो गई। मैं 1.5 लाख की कर्जदार हुआ बोला कि मुझे गालियाँ देते बात करते सब सुनती हूँ क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, मेरी परेशानी का। एक घर में काम करती हूँ मैं, 3 हज़ार आते उनसे, और कैसे हर साहब मुझे 2 हज़ार रुपये देते हैं, और 1 हज़ार रुपये मेरे शोहर की पिंचिन आती, मैं उसी में गुजर बसर कर लेती। अभी आप ये घर किसके नाम पे? मेरे शोहर के नाम पे है। अच्छा। मेरे शोहर के नाम पे है, मैं भी मेरे माँ बाप को एक लूटी एक
मेरे माँ बाप भी घर दिए हैं, मैं वो घर भी बेच के लोगों के पीछे मैं कपड़े ला के बेची लोगों को, इन लोगों को फीसा बनी, हर चीज़ करके मैं इन लोगों को पाली बड़े करी। मेरे शोहर मंदले बच्चे को ए ग्रेड तक का, उनको वायरमैन का एग्ज़ाम तक का पूरा दिलाए, उसकी दुकान है जाती, उन्हें अच्छा कुकटपली में ज़मीन वगैरह सब खरीद के है। मेरे बड़े बच्चे को जो सहेलम में ड्यूटी लगाए थे, वो बच्चा मेरे को थोड़े दिन देखा, उसके बाद उसकी शादी कर दी मैं, उसकी ज़िंदगी का उन्हें हो गया, उससे मेरे को कोई वो नहीं है। तब आपको मारे कौन थे, कौन से साहिबजादे मारे? मेरे को दोनों भी मारे बा, बच्चे? बड़े बच्चे भी मारे, ये मंदला बच्चा भी मारा, मेरे को दो जने भी मारे मेरे को। कितने बच्चे आपको? तीन बच्चे हैं, तीन बच्चियाँ, एक बच्ची का इंतकाल हो गया, दो बच्चियाँ हैं, वो नहीं पूछते मेरे को, आते नहीं, मेरी खैर खैरियत लेते नहीं, इतना करी उन लोगों के साथ में, तीन तीन बच्चे पैदा हुए मेरी बच्ची को, तो 3 महीने से ला के रख लेके मैं, 5 महीने के बच्चे ये तो रखी, हर चीज़ करी उन लोगों को। उम्र क्या है आपकी? 63 है मेरी उम्र। अभी आपके साथ कौन रहते हैं यहाँ पर? तीनों बच्चे हैं मेरे, मर्द बच्चे, वो लोग अलग पोर्शन में, अलग है वो लोग, उनके संसार में उन्होंने, एक ही घर में है? हाँ, एक ही घर में है, मेरा छोटे बच्चे के साथ में रहते। अभी यहाँ पर आपके साथ कौन है? छोटा बच्चा है खिजर अली खान। उनकी क्या मसरूफियात है? नौसिगी में 3 दिन जॉब आता उनको, 3 दिन कर लेते हो, अब बच्चे के भी कुछ भी रहते ना, उनकी शादी करना है ना, उनकी शादी होने देते लोग, आना आगे बढ़ने देते लोग, कुछ नहीं। 79 में पैदा हुई है उन्हों, आप देख लो, अब 40 साल हो गए बच्चे। आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत से या आवाम से? हुकूमत मेरी मदद करना, मैं जो सोच रही हूँ वो काम मेरा होना या नहीं है, तो मेरा हिस्सा मेरे को दे के मेरे को ये लगा। आवाम से नगर पुलिस से भी कुछ बोल रही ना, सनत नगर पुलिस मेरे को साथ नहीं दी, मेरे को अगर साथ देती होती तो मेरा हक मेरे को दिलाती। एक पुलिस वाले साहब मेरे को बोले, आपका बच्चा आपको घर में से तो नहीं हकाला ना, बोले। अभी आप आवाम से क्या चाह रहे हैं? आप क्योंकि कर्जदार हैं जी, आवाम से यही चाह रही हूँ, कोई ना कोई मेरे को आ गया है, मेरी मदद करे, मैं बेवा हूँ, आपको बहुत दुआ लगेंगी, मेरी बहुत बहुत दुआ लगेंगी आपको, मैं मरे तक नहीं भूलूंगी आप लोगों को, मेरी जो मदद कर सकते आप लोग आके मेरी मदद कर सकते। अपना मोबाइल नंबर आपको याद है? हाँ याद है, 83-41-91-70-39 खैरुन्निसा। फिर बोलिए। 83-41-91-70-39। कौन से एरिया में रहते हैं आप? सनत नगर DNM कॉलोनी, लैंडमार्क मस्जिद, चर्च, जाफरी मस्जिद के आगे।